हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। सो कैसे हैं आप सब? तो टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो जी हाँ गाइस, आज मैं आप लोग के साथ पे अपनी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट शेयर कर रही हूँ। मेरी जो यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट है वो आ गई, मुझे बहुत 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 ज्यादा खुशी है। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और कई सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछते रहते थे कि दी आपकी सैलरी आना स्टार्ट हुई या नहीं हुई, आपकी अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, सब कुछ आप मेरे साथ शेयर करिए। तो बस आज मैं वही वीडियो आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अभी मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है। आगे आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं मुझे। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप मेरे वीडियो में इंटरेस्टेड है, मुझ में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी देखिए। और वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी की तरह मुझे भी बहुत दिनों से, जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, मुझे अपनी YouTube के पेमेंट्स का बेसब्री से इंतजार था। मेरी तरह जितने भी यूट्यूबर्स होंगे जो अभी न्यू हैं या फिर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, कहीं ना कहीं उन सभी को मतलब ये नीड रहती है, ये क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरी फर्स्ट पेमेंट कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी अपनी फर्स्ट पेमेंट को लेके। मेरी फर्स्ट पेमेंट कब आई, कितनी आई, कैसे आई, क्या क्या दिक्कतें हुई मुझे, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, सब कुछ मैं डिटेल में शेयर करूंगी। तो चाय लेके बैठ जाइए, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाए। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, जो नए क्रिएटर है जो यूट्यूब पर आना चाहते हैं या आ चुके हैं और वो भी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी मतलब ये है कि हाँ हमारी फर्स्ट पेमेंट आ जाए। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना है। मैं भी इस चैनल पे 1.5 साल से ज्यादा हो गया मेहनत कर रही थी और मेरी पेमेंट अब मुझे रिसीव हुई। तो आप लोग को भी मेहनत करना है और डेडिकेशन के साथ मेहनत करना है, तो बहुत जल्द फल आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, चैनल जब हम अपना क्रिएट करते हैं तो हमें सबसे पहले यूट्यूब के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो उन्हें पूरा करना होता है। जैसे कि सबसे पहले जो 1,000 का सब्सक्राइबर होने चाहिए हमारे, ठीक है, 1,000 हमारे सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4,000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, तब हम अपने चैनल को रिव्यू में भेजते हैं और उसके बाद जाके हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। जब अपना खुद का कंटेंट होगा, खुद की किसी का कॉपी किया नहीं होगा, तो हमारी हमारा जो चैनल है वो बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाता है, 24 से 48 घंटे में हो जाता है। मेरा तो, मैं इस वाले चैनल की बात करूं तो मेरा ये चैनल 24 घंटे में हो गया था। मैंने रात में अप्लाई किया था और दूसरे दिन मैंने दोपहर में देखा तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, 24 घंटे के पहले पहले ही हो गया था। तो बस ये होता है। और जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो हमारी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है। हम अपना, हमारे जो एडसेंस अकाउंट है उसमें हमारी जो अर्निंग है इकट्ठा होने लगती है। तो स्टार्टिंग में अर्निंग बहुत कम आती है, बहुत ज्यादा नहीं आती। जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा सैलरी बनती है। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में, जो जिनके चैनल पे व्यूज कम आते हैं, 100-150 व्यूज आते हैं, उनकी अर्निंग बहुत कम होती है। तो थोड़ी थोड़ी करके अर्निंग बनती है और उसके बाद हमें अपने $10 कंप्लीट करने होते हैं। जब हमारे $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो हम अपने गूगल पिन के लिए अप्लाई करते हैं और फिर पिन जो है 1 महीना लग जाता है, 15 दिन से लेके 1 महीने तक लग जाता है। मेरा जो पिन था वो 1 महीना मुझे लगा था मेरे घर तक आने में। तो बस 1-8 महीने में आपका पिन आ जाएगा, आप वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद जब आपके अकाउंट में $100 हो जाते हैं, चाहे वो 1 दिन में हो, चाहे 10 दिन में हो, चाहे 4 महीने में हो, चाहे 6 महीने में हो, चाहे साल भर में हो, ठीक है, तो जब आपके $100 कंप्लीट होते हैं तभी आपके जो अकाउंट है उसमें आपका सैलरी आती है, ठीक है। तो ये हो गया, इतनी प्रोसेस करनी पड़ती। मैं बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे ही मेरे $10 कंप्लीट हुए, मैंने पिन के लिए अप्लाई किया और मेरा पिन 1 महीने के अंदर अंदर आ गया था। और उसके बाद अर्निंग मेरी स्टार्ट हो गई। अभी आप लोग जान ही रहे हो, मेरे चैनल की कंडीशन देख ही रहे हो, बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं। लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, दोनों टाइप की वीडियो मैं डालती हूँ, तो शॉर्ट वीडियो पे वैसे भी हमारी अर्निंग नहीं होती है और हाँ उससे चैनल ग्रो होने के चांसेस होते हैं। तो लॉन्ग वीडियो पे ही जो हमारे व्यूज आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइब का पैसा मिलता है, सब्सक्राइब करने का मिलता है, लाइक करने का मिलता है, तो ऐसा नहीं गाइस, पैसा हमें व्यूज का मिलता है। जब हमारे व्यूज अच्छे आएंगे तो उस पे एड्स अच्छी अच्छी चलेंगी और जब एड्स अच्छी चलेंगी तो हमारी अर्निंग अच्छी होगी, ठीक है। तो अभी आप मेरा चैनल जैसे देख रहे हो, बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं,
तो उस अकॉर्डिंग मेरी जो अर्निंग है बहुत कम हो रही है। मैं बता दूं कि मेरा जो चैनल है सितंबर 2021 में मोनेटाइज हुआ था, ठीक है, 9 सितंबर को, 8 सितंबर को मैंने भेजा था चैनल रिव्यू के लिए, और 10 सितंबर को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, सभी को खुशी होती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके हमारी अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है मोनेटाइजेशन के बाद में, ठीक है। तो बस यही था, हाँ, 9 सितंबर का वो दिन था जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, और तब से मेरी अर्निंग होने लगी। और चैनल की बात करूँ तो मैंने अपना चैनल 8 जुलाई 2020 को स्टार्ट किया था, और 1-2 महीना काम करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी मेरे साथ कि मैं इस चैनल पे 6-7 महीने तक काम नहीं कर पाई थी, और पिछले साल अप्रैल से मैं कंटिन्यू इस चैनल पे काम कर रही हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूवर हैं, जो मुझे डेली वॉच कर रहे हैं, जितने भी हैं कम ज्यादा, तो आप सभी देख ही रहे हो, मैं बहुत मेहनत के साथ वीडियोस बनाती हूँ, बट भगवान के हाथ में है। अभी मेरा चैनल नहीं ग्रो हो रहा है, पता नहीं क्यों ग्रो हो रहा नहीं हो रहा है, क्यों, कहाँ कमी हो रही है मुझसे, तो आप लोग जरूर बताइएगा मुझसे कहाँ कमी हो रही है। मैं आप सभी से पूछती रहती, मेरी वीडियो क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, जो भी कमियां खामियां वीडियोज में हो मुझे बताइए, तभी मैं सुधार करूंगी, ठीक है। तो मैं डिमोटिवेट कई बार हो जाती हूँ, सबके साथ होता है, नेचुरल सी बात है, जब व्यूज डाउन होते हैं हमारे तो डिमोटिवेशन होता है। उसके बाद फिर मैं कहती हूँ नहीं, अगर मैं कुछ करूंगी तो होप रहेगी कुछ करने की, बैठ जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरा एक पहले ब्लॉग चैनल था अयोध्या ब्लॉगर मीना शर्मा के नाम से, तो वो चैनल मेरा अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गया, मेरे कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मुझे ही डिलीट करना पड़ा, तो उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती। उस पर भी मैंने 1.5 साल की मेहनत की थी, और उस पर भी मेरी अर्निंग बनी चुकी थी, आने वाली थी, बट मुझे चैनल डिलीट करना पड़ा, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी लेकिन मुझे करना पड़ा, सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। तो बस फिर मैं इस वाले चैनल पे कंटिन्यू मैं काम कर रही हूँ, आप सभी जान रहे हो मैं मेकअप से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। तो यही थी, इतना था। और मुझे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है बैंक अकाउंट तक पैसा ट्रांसफर होने में, तो हर महीने की जो हमारा 10 से 11 तारीख में एडसेंस अकाउंट में हमारे जितने भी डॉलर होते हैं वो शो होते हैं वहां पे, ऐड होते हैं। उसके बाद तो 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में जो पैसे होते हैं हमारे हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरी पेमेंट कब आई, ठीक है, तो मेरी पेमेंट जनवरी 2022 में आई है, पेमेंट रिसीव हुई, जिसको मुझे बहुत 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 ज्यादा खुशी हुई। और मुझे अभी चल रहा है अप्रैल, तो ये वीडियो मैं बनाने में लेट हो गई, क्योंकि मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊं बनाऊं आजकल आजकल आजकल, तो ऐसे करके टल रहा था, क्योंकि आप सभी जान रहे हो कि मेरी 8 मंथ प्रेगनेंसी भी रनिंग है, उसके बावजूद मैं काम करती हूँ, तो कभी कभी नहीं हो पाता गाइस, जो चीजें सोचो वो नहीं हो पाती है, तो उसके लिए सॉरी। तो वीडियो थोड़ा सा लेट जा रही है, तो सो सॉरी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे, पूछ रहे थे दी आपने कितनी अर्निंग की, कितनी अर्निंग की, आपकी अर्निंग हो रही कि नहीं हो रही, तो आप लोग के सवालों का जवाब मिल गया। तो जो मेरी फर्स्ट पेमेंट है वो आ गई है, तो 28 तारीख को आई थी, 29 जनवरी को मेरी छोटी वाली डॉटर टुकटुक का बर्थडे था, और 28 को मुझे मेरी पेमेंट रिसीव हुई, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और मुझे मेरे अकाउंट तक पैसे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने स्विफ्ट कोड वगैरह डाला था। अगर आपने भी अपने पूरे अकाउंट की डिटेल एंड स्विफ्ट कोड, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उसका स्विफ्ट कोड जरूर डालिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बस ये था, मुझे बैंक मैनेजर का कॉल आया था 25 से 26 तारीख को कि आपकी ऐसे ऐसे जो है पैसे आपके अकाउंट में आने वाले हैं, और वो NRI ब्रांच में पड़े हुए हैं, तो आपको अपनी कुछ ID प्रूफ देने होंगे। तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत उस टाइम ठीक नहीं थी, प्रेगनेंसी है जैसे कि आप जान ही रहे हो, तो मैं बाहर थोड़ा सा आना जाना कम है मेरा। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप ऑनलाइन दे दीजिए। तो मैंने पैन कार्ड एंड अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी उनको ऑनलाइन भेज दी थी, तो उन्होंने वेरीफाई कर दिया था, और मेरी जो पेमेंट है 28 को मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, एंड हाँ 28 को मैंने मॉर्निंग में सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, एंड इवनिंग में मेरी पेमेंट 6 बजे तक मेरे अकाउंट में आ गई, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। चलिए बात करते हैं कि मेरी पेमेंट कितनी आई है। तो मेरी पेमेंट गाइस, जैसे आप सभी जानते हो कि डायरेक्टली हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते हैं, यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ है, तो मेरी पेमेंट 10,000 के अंदर आई है, आप लोग समझ लीजिए कितना आई है, तो 10,000 के अंदर अंदर आई है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट मेरे लिए बहुत 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 है, और ये सब आप लोग के वजह से हुआ। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे सपोर्ट करने के लिए, आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही मेरी जो फर्स्ट पेमेंट है वो मुझे रिसीव हुई है। और जब कहते हैं ना हम अपनी मेहनत का 1 रुपया कमाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो बस मेरे साथ भी वही हुआ, मेरी मेहनत की कमाई है। इस चैनल पे मैंने 1.5 साल से ज्यादा मेहनत किया, और 1.5 साल के बाद मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है,
तो मुझे मुझे बहुत 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 ज्यादा खुशी हुई है, सब आपके प्यार साथ एंड सपोर्ट की वजह से हुआ, और मुझे और आगे जाना है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सैलरी जो है हर महीना भले $100 ही बने, बट बने, तो आप लोग मुझे प्लीज सपोर्ट करिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि यूट्यूब पे मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, 2-2.5 साल से मेहनत कर रही हूँ, 1.5 साल मैंने अपने पहले वाले चैनल पे मेहनत किया, 1.5 साल से मैं इस चैनल पे मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज गाइस सपोर्ट करिए, और आपके साथ और सपोर्ट के बिना आगे जाना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच, आप लोग के साथ और सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची और मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है, और मुझे मेरी मेहनत की कमाई जब मेरे हाथों में आई ना, तो मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई, इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े, उनको भी बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी, तो आई नो आप लोग के सवालों का जवाब मिल गया। आप सभी से एक चीज लास्ट में कहना चाहूंगी जाते जाते, कि अगर आप न्यू क्रिएटर हो या फिर आप यूट्यूब पे आना चाहते हो तो डेफिनेटली आइए, अगर जिस भी डिग्री में आपका पैशन है उसको फॉलो करिए, वीडियो बनाइए, अपलोड करिए, एंड ये मत सोचिए कि हाँ नहीं मुझे पैसे कमाना है, पैसे के लिए सोच के मत आइए, आप अपनी शौक के लिए आइए, पैशन के लिए आइए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। यूट्यूब पे बहुत मेहनत है गाइज, बहुत लोग मेरे भी आसपास के लोग हैं, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या करी फालतू का काम, वीडियो बना रही है, ये करी वो करी है, ये सब नहीं करना चाहिए, कुछ अच्छा करो, ढंग का करो। तो मैं उन लोग को ये बात बोलना चाहती हूँ, मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एक वीडियो शूट करने में पूरा दिन चला जाता है, जब भी मैं कोई मेकअप लुक शूट करना होता है, पूरा सामान मुझे अरेंज करना होता है, मुझे नहीं, जो भी यूट्यूबर्स हैं सभी के लिए मैं कर रही हूँ, इससे बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ज्वेलरी, मेकअप, ड्रेस, सब कुछ मिक्स मैच करना, बैठ के 2 घंटे मेकअप करना, फिर थंबनेल के लिए पिक निकालना, एडिटिंग करना, अपलोड करना, मतलब एक वीडियो अपलोड करने में, बनाने में पूरा दिन चला जाता है गाइज। और इस कंडीशन में मैं अपनी 8 मंथ प्रेगनेंसी में डेली के डेली वीडियो बना के आप लोग तक पहुँचा रही हूँ, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करिए। और आप लोग जो न्यू क्रिएटर्स हैं, जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, किसी को 6 महीने, किसी को साल, किसी को 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं, लेकिन हाँ अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपका कंटेंट अच्छा है, सब कुछ आप अच्छे से कर रहे हो, तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, यही सोच के मैं भी आगे बढ़ ही रही हूँ। सो एक बार फिर से आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग के साथ एंड सपोर्ट की वजह से मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है, मैं चाहती हूँ कि आगे भी आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें ताकि हर महीने मेरी पेमेंट आती रहे। सो कहते हैं ना, मेहनत का फल हमें मिलता है, बस हमें मेहनत और लगन से काम करने की ज़रूरत होती है। तो बस आप लोग को पता चल गया होगा कि मेरी अर्निंग कितनी हुई है, और मैं बता दूं मैंने अभी इसमें से सिर्फ कुछ पैसों का प्रसाद चढ़ाया है, और बाकी के पैसे मेरे ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, तो मैंने खर्च नहीं किए हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करती वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइज, एंड पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, और प्लीज प्लीज सपोर्ट करिएगा ताकि मैं और आगे जाऊँ और अपनी एक नाम एंड पहचान यूट्यूब पे बना पाऊँ। बाय बाय।